जब हम एक्चुअली अपने घरों में भी ज़कात दे रहे होते हैं तो किसी की बीमारी, किसी का इलाज, किसी की शादी एटसेट्रा हमारे जहन में आता है कि हम उसकी मदद करते हैं, तालीम का नहीं आता ख्याल। जी ये एक बड़ा अजीब सी चीज़ है कि अगर आप ज़कात का नाम लें, आंख बंद करें तो पहली चीज़ क्या, तीसरी चीज़ भी तालीम जो है वो नहीं आती है। और अगर तालीम पे हम ज़कात देना शुरू कर दें और फोकस हमारा तालीम पे हो जाए तो मैं इस बात की आपको यकीन दहानी करा सकता हूँ कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में आप ज़कात ढूंढने वाला देख रहे होंगे बंदा नहीं मिलेगा। वो बकौल इकबाल के कि हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दें तालीम पर ज़कात। तो जो मैं बात कर रहा था कि 1890s में स्वीडन जो है उसका बर्थ रेट और इकोनॉमिक ये इकोनॉमी जो थी वो लो इनकम अफ्रीकन कंट्रीज़ के बराबर थी। late 1940s में उसकी इकोनॉमी जो है वो इजिप्ट के बराबर थी। एंड 2023 में हमें पता है कहाँ है, बिकॉज डायरेक्ट कोरिलेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन से है इसका। राइट, क्वालिटी एजुकेशन से, एंड दैट इज़ व्हाट यू प्रोवाइड एट TCF। ये बताएं इस वक्त आपके हैं 1833 स्कूल्स, हर साल किस तरह स्कूल्स कितने बढ़ते हैं? देखिए ऑन एन एवरेज जो 28 साल से हम तकरीबन हर हफ्ते एक स्कूल कमीशन कर रहे हैं, सो तकरीबन 50 स्कूल्स हैं हर साल हम कमीशन करते हैं। इस साल हमने कोशिश ये की है कि हम ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि जो हालात हैं और हम समझते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, तो हम कोशिश ये है कि 150 के करीब जो है तो हफ्ते में 3 स्कूल कमीशन करें। बट वो मुमकिन नहीं हो सकता जब तक हमें कमीशन करना, तो इससे आपकी क्या मुराद होती है? कमीशन से मुराद ये है कि 150-200 बच्चों का एक स्कूल, एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर पर्पस बिल्ट स्कूल हो, जहाँ पे लाइब्रेरी कर रहे हैं। वो हम अक्वायर नहीं, हम बिल्ड करते हैं नॉर्मली। कुछ हमने गवर्नमेंट के स्कूल्स भी अडॉप्ट किए, तो 1833 में 350 के करीब स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट के हमारे हैं, बाकी स्कूल्स हमारे खुद बनाए हुए। तो हमारा अपना सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है जो लैंड आइडेंटिफाई करता है, वहाँ पे स्कूल बिल्ड करता है। और ये सारे पर्पस बिल्ड स्कूल हैं, तो ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं है। इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ जो कि एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, लाइब्रेरी होती है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। अच्छा, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर यू? मतलब जहाँ बहुत ही दूर दराज इलाके हैं वहाँ स्कूल्स नहीं हैं, बच्चों ने ऑब्वियसली बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल जा सकते हैं, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि आपने अपनी बिल्डिंग एक बनानी? मतलब आप वो क्या एनवायरनमेंट देना चाहते हैं उन बच्चों को? देखिए एक बेसिक जो घरों में भी लोग बना लेते होते हैं स्कूल, तो देखिए मॉडल का जो है ना, एक वो है कि बच्चे का दिल चाहे जाने का स्कूल जो है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे एक जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ मैं, कि हमारी 100% फीमेल फैकल्टी है। वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो 19,000 एम्प्लॉयज़ में से 15,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ख़वातीन हैं। सो हम सिर्फ तालीम नहीं मुहैया कर रहे, हम वेमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। सो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं जब उनको पता चलता है कि सिर्फ ख़वातीन वहाँ पर हैं, तो ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को भेजने में। सो आपको सुन के खुशी होगी कि 50% हमारी जो इनरोलमेंट है वो फीमेल इनरोलमेंट है। और वैसे बहुत से इलाके जहाँ पर हम यूजुअली लोग नहीं बच्चियों को आगे पढ़ाते या नहीं पढ़ाते, वहाँ पे भी आप लोगों ने स्कूल जब कायम किया ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स लोग आए? बिल्कुल सर, इट्स अ मिथ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल या बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, चाहे कितना रिमोट इलाका हो। सो एज लॉन्ग एज आप सेफ सिक्योर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज क्वालिटी एजुकेशन है, अफोर्डेबल एजुकेशन और उनके कल्चरल एंड नॉर्म्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो पहली बात थी ना कि हम अगर लिटरली एजुकेशन में ज़कात दें तो हमें शायद ढूंढना पड़ेगा कुछ सालों में कि ज़कात को किसकी ज़रूरत है, बिकॉज यू आर एम्पावरिंग दोज चिल्ड्रेन कि वो कुछ बने। इस वक्त यार बहुत बहुत शुक्रिया।